स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास सिक्स चैप्टर सेकंड प्लेइंग विद नंबर्स। प्रीवियस क्लास में हमने प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर में बोर्डमास के रूल पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स बोल किसको रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2 × 3 = 6। अब इसमें हमें पता लगाना है कि फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है। देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है 6। तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई? टू फैक्टर अ नंबर मीन्स टू ब्रेक इट अप इन टू नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टूगेदर टू गेट द ओरिजिनल नंबर। मतलब कोई भी हमने नंबर लिया जैसे 6, 8 या फिर 10, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 6 किस किस से मिलकर बना है? 2 और 3 के मल्टीप्लाई से। तो ये 2 और 3 क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। जैसे 8 को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ऐसे भी हो सकता है 2 × 4, या फिर ऐसे भी हो सकता है 2 × 2 × 2। तो ये 2 और 4 ये 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया 10, 10 का कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 × 5, ठीक है। तो 2 और 5 ये दोनों 10 के फैक्टर होंगे। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल किसको बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कोई भी नंबर हो उसको किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो नंबर मिलता है उसको मल्टीपल कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 4। अब हमें क्वेश्चन आया हमारे पास कि 4 के मल्टीपल्स निकालो। तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे? 4 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 8। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 14। तो ये तीनों नंबर डायरेक्टली 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय एनी नेचुरल नंबर। एक मल्टीपल हम उस नंबर को बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर से कोई नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कराना मल्टीपल कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या और ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। तो इवन नंबर्स कौन से हो जाएंगे? इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए वो नंबर्स कौन से होंगे? इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स कौन से होंगे? जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये कौन से होंगे? ऑड नंबर्स। इवन नंबर के लास्ट में क्या क्या आ सकता है? 0, 2, 4, 6, 8। इवन नंबर के लास्ट में हमेशा ये 5 डिजिट आएगी, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और ऑड नंबर के लास्ट में कौन कौन सी डिजिट आ सकती है? 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर के लास्ट में आती है। जैसे 13 है, 13 क्या हुआ? ऑड नंबर, ठीक है। 16 क्या हुआ? इवन नंबर, क्योंकि 13 के लास्ट में 3 आ रहा है और 3 का मतलब क्या है? ये ऑड नंबर है, ठीक है। और 16 के लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर है, ठीक है। नंबर्स का थर्ड टाइप है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे एग्जांपल लिया हमने 3। 3 के कितने फैक्टर हो सकते हैं?
वन और थ्री, मतलब ये वन की टेबल में आएगा और थ्री की टेबल में आएगा, और किसी की टेबल में थोड़ी ना आता है थ्री। तो थ्री क्या हो गया, एक प्राइम नंबर। जैसे हमने एग्जांपल लिया फाइव, फाइव के कितने फैक्टर होंगे, वन और फाइव, ठीक है। एक तो ये वन की टेबल में आएगा और एक फाइव की। वन की टेबल में सारे नंबर्स आएंगे जो वन से बड़े हैं, जैसे टू थ्री फोर फाइव और कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे। जैसे टेन है, क्या टेन प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि टेन के कितने फैक्टर हो सकते हैं, वन, ये टू के टेबल में भी आता है और ये फाइव के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है, तो इसके चार फैक्टर हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, टू थ्री फाइव। टू क्यों होगा, क्योंकि टू के भी सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन और टू, ये वन के टेबल में आएगा और टू के टेबल में आएगा। टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, यहाँ एक बात याद रखना, फोर नहीं होगा क्योंकि इसके कितने होंगे, वन टू फोर, तीन हो गए। और प्राइम नंबर क्या बोलता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, इसलिए फोर भी यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जिसके दो फैक्टर होंगे वो तो प्राइम नंबर हो गया, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, जैसे फोर। फोर के कितने फैक्टर होते हैं, फोर वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, कितने हो गए, तीन फैक्टर। तो दो से ज्यादा फैक्टर होते ही वो किसके आएंगे, कंपोजिट नंबर में। जैसे एक और एग्जांपल है सिक्स। सिक्स कंपोजिट नंबर होता है कैसे, ये वन की टेबल में आता है, टू की टेबल में आता है, थ्री की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, इसके कितने फैक्टर हो गए, चार फैक्टर हो गए। तो जिसके जिस नंबर के भी दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके एग्जांपल लिख लो आप चाहे, फोर सिक्स एट ट्वेल्व, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, फोर हो जाएगा, क्योंकि फोर से पहले क्या आता है, थ्री आता है, थ्री एक प्राइम नंबर होता है, तो सबसे पहले जो कंपोजिट नंबर आएगा वो फोर होगा। यहाँ पे आप चाहे लिख लो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, फोर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ सेट ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसका मतलब है ऐसे नंबर्स का सेट जिसमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, थ्री एंड फाइव। थ्री और फाइव में क्या कॉमन है, थ्री के दो फैक्टर होते हैं वन और थ्री, और फाइव के फैक्टर क्या होते हैं, वन और फाइव। दोनों में सिर्फ वन कॉमन हो, ऐसे नंबर्स कौन से हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। जैसे एट और नाइन, एट और नाइन, एट और नाइन में क्या कॉमन है, वन, बाकी कुछ कॉमन थोड़ी ना है। एट किस किस के टेबल में आता है, वन की में, टू की में, फोर की में और खुद की टेबल में, और नाइन किस के टेबल में आता है, वन की टेबल में, थ्री की टेबल में और नाइन की टेबल में। तो यहाँ से कॉमन जो नंबर है वो सिर्फ वन है। तो ऐसे नंबर्स का सेट जिसमें वन के अलावा कोई भी कॉमन नंबर ना हो वो कौन से हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। नंबर्स का नेक्स्ट टाइप है हमारे पास परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जितने भी इनके डिविजिबल होते हैं उन सबको जब आप ऐड करोगे तो वही नंबर हमें मिले। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजिबल। ये अपने डिविजिबल के सम के इक्वल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सिक्स। सिक्स
वापस हमें वही नंबर मिलना चाहिए। ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। वापस सुन लो, अगर हमें कोई नंबर दिया गया है उसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या फिर हम उसके डिविजर देख रहे हैं कि वो किस किस से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो सकता है, तो जब हम उन नंबर्स का सम करेंगे तो अगर हमें वही नंबर मिलता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे 6 क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है। ये तो हमने नंबर्स के बारे में बात की, अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस कि फैक्टर्स से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ऑड नंबर प्राइम नंबर किस तरह निकाले जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास राइट ऑल द फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 12, ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि 12 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 12 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा और 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और खुद के टेबल में। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया 21, 21 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में। क्या 21 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 1। और हमने पढ़ा था कि 2 के टेबल में ऐसे नंबर आते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, मतलब ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये किस में आएगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसके फैक्टर्स में 2 नहीं आएगा। क्या ये 3 के टेबल में आता है, काउंट करो 7 टाइम्स बोलने पे ये 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ से इसका 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे और एक खुद ये 21 दिया जाएगा। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है 17 किस किस के टेबल में आता है, क्या आपने देखा है 17 किसी के टेबल में आता हो, नहीं आता, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 17, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो यहाँ से हमने देखा कि फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 का मतलब है स्टार्टिंग से 5 मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। तो हमने एग्जांपल लिया 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 3। हमने पढ़ा था कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, जो भी हमें नंबर दिया गया है उसको किसी भी नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसने फर्स्ट 5 बोला है तो हमने स्टार्टिंग की 2 से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितने आ गए, 15। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। तो ये सारे नंबर्स 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, मतलब 5 से ये आसानी से डिवाइड हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स कौन से आ गए 5 के, 10 15 20 25 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मतलब हमें मल्टीपल्स निकालने हैं 9 से लेके 100 तक। कैसे निकालेंगे, 9 के मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है 9 अप टू 100, इसका मतलब क्या है, 9 से लेकर हमें 100 तक के इनके मल्टीपल्स निकालने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 9 अप टू 100, मतलब 9 से लेके 100 तक के बीच के जो नंबर्स है वो फाइंड करने हैं हमें। 100 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, 9 इंक्लूड होगा। तो जब हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,
9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18, 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36। ये कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। जब हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 54। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 63। जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारे पास क्या आएगा? 72। 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब 9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 90, 9 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 99। हमें 100 तक के लेने थे तो यहाँ तक क्या आ जाएगा? 99 तक इनके मल्टीपल्स आ जाएंगे। कौन कौन से? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। ये सब हो गए 9 अप टू 100 मल्टीपल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 10। 10 से कम हमें सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। और हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, 1 और वो नंबर खुद। तो क्या 1 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। 2 प्राइम नंबर होता है? होता है, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है 1, 2 हो जाएगा। अब 3 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसके भी दो फैक्टर होते हैं 1 और 3। 4 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 5 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि इसके भी दो फैक्टर्स होते हैं 1 और 5। अब है 6। 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 और 6। ठीक है, अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट नंबर? 7। 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो 7 भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। 8 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसलिए 8 प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो ये चारों क्या हो जाएंगे? 10 से कम प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि 15 से कम प्राइम नंबर निकालो, तो इस तरह आप निकाल लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो प्राइम नंबर का, तो आप इस तरह इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये चार नंबर ऐसे हैं 10 तक जो क्या है? प्राइम नंबर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। अब हमें नंबर दिया हुआ होगा और हमें क्या निकालना है कि वो कौन कौन से ओड प्राइम नंबर से मिलकर बना है। मतलब प्राइम भी होना चाहिए और ऑड नंबर भी होना चाहिए, मतलब विषम संख्या होनी। अब हमने एग्जांपल लिया है 44। अब हमें इसको इस तरह से तोड़ना है दो पार्ट्स में, जिससे हम उन दोनों को ऐड करें तो हमें 44 ही मिलना चाहिए। और वो जो दोनों नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए और साथ में ही ऑड नंबर भी होने चाहिए। तो हम देखते हैं 44 क्या होता है? एक इवन नंबर है। इससे पहले क्या आता है? 43। 43 क्या है? एक ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ऑड नंबर इसलिए है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 3 है और ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा। और प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। अब 43 में हम क्या ऐड करें कि 44 बन जाए? 43 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा?
44, लेकिन 1 जो है वो ऑड नंबर तो है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा इसलिए हमारा ये किया हुआ फेल हो जाता है। हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा जिससे 44 आ जाए। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि 43 नहीं आएगा। 43 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है? 41। ठीक है, हमने ले लिया 41। 41 क्या है? ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि ये और किसी के टेबल में नहीं आता है। अब 41 में क्या ऐड करें कि 44 बन जाए? तो हमने ऐड किया 3। 3 क्या है? ऑड नंबर भी है, ठीक है, और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इसके भी दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये 1 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है, तो ये ऑड नंबर भी हो गया और प्राइम नंबर भी हो गया। तो 41 और 3 को जब हम प्लस करते हैं तो 44 बन जाता है। तो हमारा ये सॉल्यूशन सही है। तो क्या क्या हो जाएगा? 41 और 3, इन दोनों का सम करने पर 44 मिलेगा और ये दोनों नंबर ही ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। इस क्लास में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल को जाना कि किस तरह फैक्टर्स निकाले जाते हैं, मल्टीपल्स कैसे होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, और अगली क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।